बयानों को बेबाक बयानों को लेकर जानी जाती हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां बसव राजू एस को सीएम विष्णुदेव साय का सचिव बनाया गया है। सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का प्रभार भी सौंपा गया है। सचिव नगरीय प्रशासन का प्रभार भी सौंपा गया है। 2007 के बैच के आईएएस हैं बसव राजू एस और दिग्गज सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। अब इन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन्हें सचिव नगरीय प्रशासन के अलावा सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण का भी प्रभार सौंपा गया है और इन्हें विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव बनाया गया है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड आदित्य नांदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बसव राजू को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अब किस तरह से इसे देखा जा रहा है? देखिए, बहुत तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, 2007 बैच के आईएएस हैं, 3 साल अपने गृह राज्य कर्नाटक में भी प्रतिनियुक्ति पर वो गए थे, जिसके बाद वो वापस लौटे थे और उसके बाद उन्हें कुछ विभाग दिए गए थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विभाग आज उन्हें दिया गया, मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया। देखिए, कर्नाटक में अपने कार्यकाल के दौरान बसव राजू ने स्पेशल कमिश्नर रहते हुए, रेवेन्यू रहते हुए, बंगलुरु का जो नगर पालिका था, महानगर पालिका, वहां बकाया टैक्स जमा नहीं करने की वजह से मंत्री स्क्वायर मॉल, जो भारत का सबसे बड़ा मॉल रहता है, मॉल कहलाता है, उसे सील कर दिया था। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने उनका तबादला कर दिया था, तो किसी की सुनते नहीं है, बहुत तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। फिलहाल बड़ी जवाबदारी दी गई, अब मुख्यमंत्री सचिवालय में 2 सेक्रेटरी हो चुके हैं, एक पी दयानंद साहब जिनकी पहले नियुक्ति की गई थी, 2006 बैच के हैं वो, और आज जो नियुक्ति की गई 2007 बैच के बसव राजू एस, उन्हें भी मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। चलिए, शुक्रिया आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बसव राजू एस को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चलिए, छत्तीसगढ़ से मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र नाग जी, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद सिंह चौहान जी। भूपेंद्र जी, किस तरह से इस नियुक्ति को देखा जा रहा है, एक नए मुख्यमंत्री और अब एक तेज तर्रार अधिकारी? जी देखिए, माननीय भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जो बीते 5 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ की जनता ने कहा है, इसे सुधारने का प्रयास जिस दिशा में जिस गति से कर रहे हैं, निश्चित एक नए आयाम छत्तीसगढ़ को प्राप्त होने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता को कहना चाहिए खुशी इस बात की, तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के निर्णय और जनता के हित में जो काम करने के लिए जिस प्रकार का प्रयास कर रही है। चलिए अनिल जी, किस तरह से देख रहे हैं, तेज तर्रार अधिकारी अब कमान संभालेंगे सचिवालय की, तो निश्चित तौर पर बड़े फैसले भी हो सकते हैं और अच्छे फैसले भी होंगे? देखिए दिनेश जी, निश्चित रूप से होना चाहिए, नियुक्ति इस तरह की होनी चाहिए जिन पर विश्वास है आगामी सरकार को, मुख्यमंत्री जी को। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप लगातार देखिए तबादला उद्योग चल रहा है, बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं, जबकि सारे वरिष्ठ नेता कहते थे कि अधिकारियों से काम लेना हमको आता है, और कांग्रेस इस तरह से ज्यादा तबादले कर रही है, कोई भी अधिकारी रहे हम उनसे काम ले लेंगे। लेकिन आज व्यापक पैमाने पे तबादले हो रहे हैं और सबसे बड़ी स्थिति ये हो रही है कि किसी भी विभाग में अभी तक सुचारू रूप से काम नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी तरह। अनिल जी, अनिल जी, सवाल तो इन अधिकारियों को लेकर ही था, मुद्दा तो अधिकारियों को लेकर ही था। बीजेपी यही तो कह रही थी कि जो अधिकारी बैठा दिए हैं वो सरकार के हिसाब से चल रहे हैं, लोगों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, इसलिए अब उनको बदला जा रहा है। आपकी भी सरकार जब बनी थी 2018 में, आपने भी तमाम अधिकारियों को बदला था। निश्चित रूप से दिनेश जी, मैं उसी विषय पे आ रहा था। 18 में जब हम लोगों ने अधिकारियों को बदला था, मैं तो पहले भी अपनी बात में बोला कि स्वागत है, ऐसा होना चाहिए कि आपको जिन अधिकारियों पर विश्वास है, जिनकी कार्यशैली पर विश्वास है, उनको आपको सभी विभागों में ऐसा ऐसा तैनात करना चाहिए जिससे सुचारू रूप से काम चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 2018 में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस ने अधिकारियों को जिनका जैसा अनुभव है वहां सेट करना प्रारंभ किया, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती थी कि तबादला उद्योग चल रहा है, हम तो जिस अधिकारी से चाहें उससे वैसा काम ले लें, सभी तो आईएएस हैं। तो मैं उस बात में जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से बयानबाजी करती थी, अब दूसरी बयानबाजी करने लगी है जैसे वो प्रतिपक्ष में हूं। कल आप देखिए कि जिस तरह से बस्तर में एक नगरपालिका उपाध्यक्ष की हत्या हो गई, बिलासपुर रायपुर में लगातार चाकूबाजी हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो मतलब लगातार एक महीने में जिस तरह से अपराधगढ़ बन गया है छत्तीसगढ़, वो चिंता का विषय है। किसी भी विभाग में सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा है, चारों तरफ अस्थिरता का वातावरण है। मुख्यमंत्री से कई विधायक अपने आप को वरिष्ठ मानते हैं, वो अपनी चलाने का प्रयास कर रहे हैं, अधिकारी भी बहुत संशय में हैं, और आप स्क्रीन बोलते हैं कि कई वरिष्ठ विधायक तो हमको मंत्रियों से ज्यादा दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बड़ी असमंजस की स्थिति छत्तीसगढ़ में। अभी सरकार नहीं दी है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त सरकार को दीजिए, फिर सवाल उठाएंगे तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी तो आपका ही कार्यकाल चल रहा था, अभी महीने भी महीने नहीं बीता है पूरा ढंग से, कम से कम थोड़ा सा महीने, 2-4 महीने बीतने दीजिए, उसके बाद सवाल उठाइए तो और अच्छा रहेगा और जरूरी।